कितनी गंदी करी है वॉशिंग मशीन। What? अभी मम्मी जी आएंगी और देखकर मुझे ही डांटेंगी, बोलेंगे एक काम ढंग से नहीं करती, पता नहीं है बेटी ने कपड़े धोए आज, सारा काम मेरे ऊपर कर देती है। यहाँ पर कौन आ गया? दीदी खोल दो दरवाजा, कोई है गेट पर? अरे यार क्या बात है, एक ही बारी में बात सुन ली। अरे ये इतने लोग कैसे आए? दीदी क्या करवा रही है? नेल्स। दोनों भैया अच्छे से करना मेरा, ठीक है? अरे अन्ना नेल वाला हूँ, मुझ पर डाउट कर रही है। यार मैं ज्यादा नहीं बोलती, कहीं खराब ना कर दे, पैरों का सवाल है वैसे भी। घिस दूंगा पूरा। अरे दीदी आप ये क्या करवा रही हो? दिखता नहीं नेल्स करवा रही हो और चिल्ला क्यों रही हो? बाहर वालों के सामने कुछ भी बोलूंगी, बैठ चुपचाप। दीदी लेकिन आपने नेल्स वाला कब बुलाया और मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो कपड़े धो रही थी। आपको पता है मेरे 100 के हो गए ना इंस्टाग्राम पे, तो मुझे वहाँ से मेल आई थी कि आपके नेल्स कर देंगे फ्री में कोलैब में, मैंने तो फटाफट बुला लिया, आपको तो पता ही है। फ्री में? हाँ। ऐसी मेल तो कभी मुझे भी नहीं आई। देखो ना मेरे नेल्स भी कितने खराब हो रहे हैं, इनको बोलो ना मेरे भी फ्री में कर दें, आपसे तो ज्यादा ही फॉलोवर्स हैं मेरे। अपने फॉलोवर्स अपने पास रखो, इन्होंने सिर्फ मेरा करने के लिए बोला है, तो दूर से आए सिर्फ मेरा करने, ओके? और चुप रहना, यहाँ पे स्टाइल मत मारना, मेरे कर दो समझ के। पैसे ले लेंगे 10,000 लेते हैं एक हाथ के। What? एक हाथ के 10,000? हाँ अन्ना नेल वाले हैं। अन्ना नेल वाले? वाले ये तो नाम मैंने कभी नहीं सुना। सुन लेंगे ना, सुना देंगे, काश मेरा भी हो जाता। अरे मैम आप तो वही हो ना 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। चल थैंक गॉड भैया आप मुझे पहचानते हो, वरना इस घर पर तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता। अरे अन्ना नेल वाले आप तो मेरा करने आए थे। अरे वो नहीं कर रहे तुम्हारा। भैया अच्छे से करना और अच्छे से शेप देना ताकि लोग और जलें। अरे इतना अच्छा करूंगा सब देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ भैया पैरों को जल्दी करो, मुझे अपने हाथों के भी करवाने हैं और इस बारी तो मैं लॉन्ग ही करवाऊंगी क्योंकि हमारी मेड भी आ गई है बॉबी, तो बर्तन तो मुझे धोने पड़ते नहीं है ना ही कपड़े, है ना दीदी? हाँ हाँ क्यों नहीं, हाथ के तो हो ही नहीं पाएंगे। मैम आपका हो गया? मेरा भी पैरों का हो गया। आपका भी हो गया? अब हाथों के करवा लेती हूँ। मेरा हो गया भैया? हाँ जी मैम हो गया। आपका हो गया, अब मेरी बारी। देखो ना आपने काफी छोटे करवाए हैं, मैं तो इससे बड़े ही करवाऊंगी। लेकिन अब आपका हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मम्मी आ रही है। मम्मी आ रही है? हाँ एकदम से कैसे आ रही है वो? बस आने वाली है, मैंने बता दिया था कि नेल वाले भैया आ रहे हैं और तो उन्होंने बोला जल्दी काम खत्म करवा लियो क्योंकि मैं आ रही हूँ। फिर मैम आपके हाथों में बस 10 मिनट लग जाएंगे। सुना? अरे तुम चुप रहो, मम्मी 5 मिनट में आ रही है, 10 मिनट क्या कल करना है, इन लोग क्या पता मम्मी का, आप देख लो आपको क्या करना है। चलो भैया मेरा हो गया ना, थैंक यू। भैया आप कल आ सकते हो? अरे मैम 10 मिनट में आपके कर देता हूँ मैं अब। नहीं नहीं भैया आपको पता नहीं है वो कितनी बड़ी मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, रहने दो आप कल परसों आ जाना, तब मेरे दोनों हाथ में कर देना, ठीक है? ठीक है मैम जैसा आप बोलो, चलता हूँ मैं। क्या करूँ मैं, सुबह के आलू गोभी है ये खिला दूंगी। भाभी क्या कर रहे हो? बस रोटी बनाने जा रही हूँ, मम्मी जी आ रही है ना? लेकिन मम्मी तो नहीं आ रही है, उन्होंने अभी अभी कॉल किया कि वो बिजी है तो वो आ नहीं पाएंगी, इसलिए अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो बोला मम्मी आ जाओ, आप कह रहे थे आप आओगे लेकिन मम्मी आ ही नहीं रही है। ठीक है हाथ नीचे करके बात कर लो, नेल्स देख लिए सबने आपके? मम्मी जी नहीं आ रही, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मेरे नेल्स हुए ही इतने अच्छे हैं तो मुझे मन कर रहा है दिखाने का। ठीक है अब मैं जा रही हूँ सोने, आप अपने लिए खाना खुद ले लेना। मैं तो ले लूंगी इस खुशी में कि मेरे नेल्स लग गए।